देश में लाउड स्पीकर को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र से शुरू हुई शोर वाली चिंगारी यूपी तक पहुंच गई है। काशी और अलीगढ़ में लाउड स्पीकर पर जबरदस्त विवाद छिड़ गया है। दरअसल अलीगढ़ में एबीवीपी के पूर्व पदाधिकारी ने शहर की 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाने की मांग की है। एबीवीपी के इन पूर्व पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि जो लाउड स्पीकर वो लगवाना चाहते हैं उसके जरिए वो हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं। अब इस मांग के बाद लाउड स्पीकर को लेकर मुद्दा गर्मा गया। हनुमान चालीसा वर्सेस अजान, लाउड स्पीकर पर क्यों घमासान? महाराष्ट्र में सुलगी चिंगारी, अलीगढ़ में सियासी शोर भारी। सड़क पर आम लोगों से चंदा मांग रहे ये शख्स अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व प्रदेश मंत्री बलदेव चौधरी। इनके हाथ में सफेद रंग का डिब्बा है जिस पर लिखा है लाउड स्पीकर के लिए धन संग्रह। ये अलीगढ़ की तस्वीर है जहां अलग अलग जगह इसी तरह लाउड स्पीकर के लिए फंडिंग कैंपेन चलाया जा रहा है। इसका मकसद है शहर के 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर से एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना। हमने अलीगढ़ के 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर लगवाने की मांग की है। वहाँ पर हम हनुमान चालीसा एवं धार्मिक आयोजन पर होने वाले कार्यक्रमों के लिए उसमें यूज लेंगे। ऐसे 21 चौराहों की लिस्ट हमने एडीएम प्रशासन को दिया है और उसके पहले भी हम लोग घोषणा कर चुके हैं कि हम लोग धार्मिक एवं हनुमान चालीसा चलाने के लिए 21 ऐसे चौराहों पर लाउड स्पीकर लगवाएंगे। इसी मांग के लिए एबीवीपी के पूर्व पदाधिकारियों ने एसडीएम सिटी को ज्ञापन सौंप कर मंजूरी मांगी। इसमें कुछ युवा हैं अलीगढ़ शहर के, उन लोगों ने एक ज्ञापन दिया है इस शहर के 21 चौराहों पर वो लाउड स्पीकर लगा करके और उस पर धार्मिक गीत और हनुमान चालीसा वगैरह बजाना चाहते हैं, उसके संबंध में एक ज्ञापन है। इसमें हम लोग उच्चाधिकारियों से बातचीत करेंगे और शासन को भी अवगत कराया जाएगा, फिर नियमानुसार जो भी इसमें समाधान हो गया हम लोग कराएंगे। इससे पहले काशी में एक शख्स ने अपने घर पर लाउड स्पीकर लगा दिया जिसमें दिन भर में 5 बार हनुमान चालीसा चलाई जा रही है। ये लाउड स्पीकर काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन से जुड़े सुधीर सिंह ने लगवाया है, जिन्हें भाजपा का स्थानीय नेता भी बताया जा रहा है। इनका मानना है कि काशी में लंबे समय से सुबह के समय हनुमान चालीसा का पाठ होता आया है, इसी परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया है। अब लक्ष्य 101 मंदिरों और कुछ और घरों में लाउड स्पीकर लगवाने का है। पुराने समय में सारे मंदिरों पर जो है वैदिक पाठ होते थे, हनुमान चालीसा का पाठ होता था। धीरे धीरे जब सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करी कि वॉइस पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए तो मंदिरों से स्पीकर उतर गए, लेकिन मस्जिदों पर जहां एक स्पीकर थे वहां से 10-10 स्पीकर हो गए। सुबह 4:30 बजे जो है वो सबकी नींद खुल जाती है, इतने तेज़ आवाज़ में अजान होती है। तो ये काशी है, काशी में तो वैदिक मंत्र गूंजे, ये काशी का चरित्र है। यहाँ हमारी नींद अजान से खुले ये ठीक नहीं है, इसलिए हम लोगों ने कहा कि अगर उधर अजान होती है तो यहाँ हनुमान चालीसा भी होनी चाहिए। जो पहले हनुमान चालीसा जो मंदिरों में बंद हो गई थी उसको फिर से चालू किया जाए, और हम लोगों ने 101 मंदिर चिन्हित किए हैं जिन मंदिरों पे अब लाउड स्पीकर लगेंगे। दरअसल लाउड स्पीकर पर यह विवाद महाराष्ट्र से शुरू हुआ, जहाँ महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने एक रैली के दौरान मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर नहीं हटाए जाने पर अल्टीमेटम देते हुए हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने का ऐलान कर दिया। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।